कहा था कि हम उन चेहरों को उजागर करेंगे जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में देश में और प्रदेश में उपद्रव फैलाने की कोशिश की थी। दिसंबर को CAA और NRC के विरोध में लखनऊ में जमकर हिंसा की गई और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद योगी सरकार ने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई में जिन्होंने हिंसा की थी सभी की तस्वीरों को CCTV के जरिए निकाल कर उनकी होर्डिंग बनवाई गई और पूरे शहर में उन होर्डिंग्स को लगाया गया। साथ ही सभी से संपत्ति के नुकसान को वसूला जा रहा है। इन तस्वीरों में शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास की फोटो भी लगाई गई, जिससे मौलानाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। मौलाना सैफ अब्बास ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उस दिन बड़े इमाम बाड़े के पास में मौजूद था, लेकिन वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो ये वाकया सामने आया है और 19 दिसंबर से मुताल्लिक, इसमें हम लोगों ने जिला इंतजामिया की मदद की और जो टूरिस्ट थे उनको बचाने की बात की, और जिस तरीके से जो एहतजाज हुआ अब उसके बाद ये नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन्होंने सबका दिखा रहे हैं, कोई दिखाए हमारा भी तो कोई शॉट दिखाए कि कहां पर हम गुम्मा फेंक रहे हैं। आपने फोटो तक लगा दिए, ये अफसोस का मकाम है कि किस तरीके से इस वक्त काम किया जा रहा है कि अभी तक हमारे पास इत्तला नहीं आई है और हमारे शहर की रोड पे और चौराहों पर हमारे रिकवरी के होल्डिंग्स लगा दिए गए हैं। इससे सब समझा जा सकता है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और कितने किसके दबाव में काम किया जा रहा है। ये बहरहाल एक कानूनी प्रक्रिया है और इसमें हम लड़ेंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे और इन तमाम चीजों से हमें कोई खौफ नहीं है। वहीं मौलाना सैफ ने कहा कि इस मामले में लोग संविधान और कानून पर विश्वास रखें, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो कोई सजा नहीं होगी। हम अपने मुल्क के लिए अपने कानून को साथ में लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। और दूसरी बात ये कि हम बताना चाहते हैं अपने उन चाहने वालों से कि जो लोग इस तरीके के फोन करके और सोशल मीडिया पे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे हम कहते हैं कि आप लोग अपने कानून में और संविधान में यकीन रखें, कामयाबी हमारी होगी। चूंकि आज तक इन्होंने इतने महीने हो गए कोई ऐसा सबूत नहीं पेश किया है हमारे खिलाफ कि जिसमें कहीं पर कोई एक हो। बड़े इमाम बाड़े के सामने की बात की जा रही है, वहां पर एक जरा सा भी झगड़ा नहीं हुआ। जहां पर मैं मौजूद था वहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन एक कंकर ही नहीं चली। वहां SPCT शहर के मौजूद थे, ACM मौजूद थे, और उसके बाद इस तरीके से नोटिस भेजना अफसोसनाक है। ये तो सिर्फ पता चल रहा है कि एक राजनीति हो रही है और किसी भी तरीके से आवाज को दबाने की बात की जा रही है, लेकिन बहरहाल हमें अपने मुल्क के कानून में यकीन है हमारी जीत होगी। वहीं ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि जो लखनऊ में हुआ वो बहुत खराब हुआ, उसकी सबने निंदा की और FIR भी हुई। अब पूरा मामला कोर्ट में है। हिंसा करने वालों से वसूली के मामले में बहुत लोगों को स्टे भी मिला है, लेकिन जिस तरह से बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई, जिसमें कई नामचीन लोग भी हैं, इससे उनकी बदनामी भी हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ये सब क्रिमिनल है। पब्लिक प्लेस पर आम शहरी की फोटो लगाना बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। वो जो वायलेंस हुआ उसको सभी ने कंडम किया, मजम्मत की, और उसके बाद कई FIR भी लॉज हुई, कई लोग जेल में भी गए। ऑलरेडी सबके केसेस ऑनरेबल कोर्ट्स में चल रहे हैं, कोर्ट के सामने मामला पेंडिंग है और कुछ लोगों को उसमें स्टे भी मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा करके लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं, और जबकि ये तमाम लोग इस मुल्क के शहरी हैं और जिसमें कि उलमा भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, रिटायर्ड एक IPS ऑफिसर भी हैं, एक लेडी भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स हों, जबकि ये लोग आम शहरी हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों की फ़ोटो लगाना पब्लिक प्लेस पे हम समझते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, और इससे एक बहुत ही गलत मैसेज पब्लिकली भी जा रहा है।
जिम्मेदारों को चाहिए, हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन फ़ोटोज़ को पब्लिक प्लेस से फौरन हटाया जाए और अदालत जो फैसला करे उस पर सब लोग अमल करें। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि योगी सरकार सभी उपद्रवियों से वसूली कर रही है, लोगों को न्याय मिलेगा। ये उन उपद्रवियों की तस्वीरें हैं जिनको कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने चिन्हित करके निकाल कर दिया है, और सरकार ने जैसा कहा था, आदरणीय योगी जी ने कहा था कि हम उन चेहरों को उजागर करेंगे जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में देश में और प्रदेश में उपद्रव फैलाने की कोशिश की थी। ये वो उपद्रवी चेहरे हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता को नुकसान पहुंचाया, जनता की प्रॉपर्टी को इन्होंने बर्बाद करने का प्रयास किया, क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। अब उनसे वसूली की जा रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। इसलिए हमने जो कहा था, जो आदरणीय योगी जी ने कहा था कि हम प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हमने इन चेहरों से वो वसूली करने के लिए इनको नोटिसेस दिए हैं और साफ तौर पर इस पर लिख दिया है और बता दिया है, हर चेहरे आपके सामने है, प्रदेश की जनता के सामने है कि कौन लोग हैं जो प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते थे, कौन सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते थे, किन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान किया, किसने उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टी को, जो कि आप सबकी जनता की प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया है। ये वो चेहरे हैं, उनको आदरणीय योगी जी की सरकार ने आज आपके सामने कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इनसे वसूली भी की जाएगी और इस तरह के जितने लोग भी हैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चौराहों पर लगा लगा कर लोगों को दिखाया जाएगा कि ये वो चेहरे हैं, इन्हें पहचान लीजिए, यही लोग हैं जो प्रदेश में और देश में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देश में आज विकासशील सरकारें हैं, देश में आज विकासशील सरकार है, उत्तर प्रदेश में विकासशील सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, उसको खराब करने का प्रयास कौन कर रहा था, ये खुद अपनी आंखों से आप लोग देख सकते हैं। बता दें कि 19 दिसंबर को जुम्मे की नमाज के बाद CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन ये प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया, जिसमें कई ओबी वैन, सरकारी गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां जला दी गई थी। साथ ही उपद्रवियों ने पूरे शहर में घंटों तक उत्पात मचाया, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू की, जिससे उपद्रवियों में खलबली मची हुई है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।